यहाँ पे मेरी अल्ट्रासाउंड होने लगी है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, फिर जो भी है आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। आज बिट्टी जा रही है डॉक्टर के साथ चेकअप कराने, बिट्टी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो खुदा खैर करे। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कितनी देर रह गई हमारा ऐसा नीला पीला लाल बेबी आने के लिए, ठीक है? क्यों? हाँ बिट्टी ने अपनी फाइल वगैरह फाइल ली है। मैंने बोला कि वो ना, फिर और आपको पता है वो पूछती हाँ पूछती है ना, बाकी जो जो इसकी डॉक्टर है, जो बिट्टी की डॉक्टर है उसी से चेकअप कराएंगे। बाकी ये मशीन हमारी खराब थी, जूस वाली, ये मैं सही करा के लाऊंगा। बिट्टी हमने ली थी वो वाली तो खराब हो गई, अभी ये हमने नई ले लिया, फिर ये भी खराब हो गई। ये तो दिनों में हो गई, वो फिर भी सालों में हुई थी। है वो तो सालों में हुई है ना। हाँ उसके भी जग वग खराब है, वो बाद में ले जाएंगे, ठीक है? अभी इसको फिलहाल यस प्रेस करा के लाते हैं और चलते हैं बिट्टी की डॉक्टर के पास। हमारे जो सेब पड़े हुए वो सारे खराब हो जाने, आपको पता है। ठीक है डॉक्टर के पास चले। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और आते ही उसने मेरे लिए चाय मंगवा ली है। बोलती से सुबह सुबह का टाइम कौन, मैंने बोला हम नाश्ता वाश्ता करके आए हैं, तो बोलती नहीं चाय पीनी है। हाँ तो सारी सी बात है, सुबह सुबह के टाइम चाय अच्छी लगती है वैसे भी। तो जहाँ तो पहुँचा मुझे छोड़ के वहाँ पे मशीन सही करवाने, तो इधर मेरा मुन्ना भी बैठा, तो वो आते ही डॉक्टर की वो करने लग गई है, नहीं आ रहे आप, भाग गई है। तो ये कह रही है मैंने भी डॉक्टर बनना, आते ही कोई और होता तो इसको मार के बाहर निकाल देता है। तो वो अपनी मासों के पास बैठी है ना, इसलिए वो खुश होकर बैठी है, और उसने पकड़ा तो उसके पास चली भी गई है। और बहुत अच्छी से पपी भी दी है। नेहा इधर तो देखो। हेलो नेहा। हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताने लगी है, कहती हाँ लिख रही है। लिख रही है, चाय बहुत मजे की है। थैंक यू सो मच। अंदर आ चुके हूँ, ये मेरी अल्ट्रासाउंड करेगी मैडम। और मैं यहाँ पे मुझे जब नेहा हुई थी तो यहाँ पे आए थे हम, मैं भूल ही गई, मुझे याद करा रही है। लाइट ऑन करो, लाइट ही नहीं तुम्हारी है। हाँ आ गई लाइट, आ गई आ गई। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नेहा का लगाया था ना, इधर आई हॉस्पिटल में जाते ताज़ा हो गई। ये बहुत अच्छी है, आप भी आए, जिसको मतलब ज्यादा किसी से डर लगता है ना, होता ही ऐसा, लेकिन ये बहुत अच्छी डॉक्टर, आप भी कुछ बता सकती हैं अपने बारे में। हाँ जरूर इंशाल्लाह। मसलन वैसी बात है, डॉक्टर का काम है इंसान से प्यार से बात करना, और मुझे ज्यादा प्यार वाले अच्छे लगते हैं, जो मुझसे ज्यादा वो करते हैं, फिर मैं प्यार से डील करना, क्योंकि फिर हर काम अच्छे से हो जाता है ना। कोई भी जरूरी नहीं कि यही है, कोई भी हम काम को वो करते हैं ना तो हम प्यार से करेंगे तो वो होगा। तो ऐसी बात है, पेशेंट को अगर हम प्यार से डील करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वो तकलीफ में आता है ना, तो अगर आप भी उनसे गुस्से से बात करेंगे तो फिर पेशेंट और बीमार हो जाएगा तो फिर उसको और मतलब तकलीफ होगी और दर्द में होगा। तो जब मतलब कितने साल हो गए मुझे आपके पास आते हुए, जब अभी काका जब पिछले मतलब के हुआ ना है ना, तो वो सब मुझे कमर्स में बोल रहे थे कि आप अपनी डॉक्टर चेंज कर लो, शायद डॉक्टर अच्छी नहीं। तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं, बस मेरे मुझे बुखार आ गया था उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, मतलब सब खुद आखिर हर किसी के साथ ही आता। मैं अकेली थोड़ी एक दुनिया में औरत हूँ, दुख सुख हर जिंदगी में आता है। बाकी बहरहाल ये था कि जो आपके नसीब में वो आपको मिलके रहना है। हाँ। और जो आपके नसीब में ही नहीं है तो फिर उसमें जो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। इंसान कुछ भी कर ले, अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिख दी है वो हमारा नहीं था तो खुदा के पास चलाएंगे। तो इसलिए खुदा ने बोला कि तुम दिल छोटा नहीं करो, मैं आपके साथ हूँ, जरूर दूसरा दे दूंगा इंशाल्लाह। तो ये देखो अभी यहाँ पे मेरी अल्ट्रासाउंड होने लगी है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, फिर जो भी है आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको समझ लें कि पांचवा महीना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो हम अगर इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 19 हफ्ते, समझ लें कि 19 हफ्ते आ रहे हैं। तो 19 हफ्ते का मतलब ये है कि पांचवा महीना आपको ख़त्म होने वाला है, ठीक है? अल्ट्रासाउंड के हिसाब से तो बाकी जो भी होगा, बेटी हो बेटा हो, वो अब अल्लाह की रज़ा है, ठीक है? तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, एक्टिव है, बेबी भी एक्टिव है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, हेलो कर दो, आए अपने
बच्चों को लेने आए थे, डॉक्टर से यहाँ पे सीधे आ गए, हमने बोला टाइम होगा बच्चों का। कोई बात, चलो अंजलि भी आ गई है। हेलो, चलो। और ये देखो ये भी इनके साथ लेने, ये बच्चे आ रहे थे बार बार देख रहे थे मेरा भाई बहना कहाँ है। सही करा के लाए थे, अभी मैंने बिट्टी को अपने हाथों से गाजर का जूस बना के दिया है और अभी भी इतना रहता है। बिट्टी फिनिश कर लो, कुछ भी नहीं था, छोटा सा गिलास था, ये लो फिनिश करो। ऐसी चीज़ों पे जितना खाओ पियोगी उतना आपका बेबी जो है नीला लाल पीला होगा। ये थड़ियल है, तेरी तो छुट्टी हो जानी है, इसकी छुट्टी होगी, मेरे को इतनी खुशी होगी दिल से। फिर भी वो मेरे पास ही रहेगी, नहीं रहेगी वो छोटा, मैं तो नहीं आ जाऊंगा मेरे पास रहेगा। अच्छा, क्या आप ये नहीं बताया बेटी है बेटा है? हैं बता दे कब कुछ बोला नहीं इस बारे में, जेंडर के बारे में है? बताएगी, कहती अभी नहीं, सरप्राइज है। बताया है तुम्हें नहीं? क्या लगता है, उसने बड़े गौर से किया होगा, अल्ट्रासाउंड भी बिट्टी ने कराया है तो शुक्र है खुदा का सब नॉर्मल ही है तकरीबन, है ना। रूटीन चेकअप के लिए गई थी, कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के दी, कैल्सी भी आज लेके आनी है। ठीक है, क्या बताया? कुछ कुछ तो बताया ना है? कुछ नहीं बताया उसने, हाँ बताऊंगी जब तुम्हारा दोबारा जब जाएंगे फिर बताएंगे। सही, तो इस दफा मैंने कुछ भी नहीं बताना। अच्छा, पहले कौन सा बताया था? पहले तो मुझे बताया था। अच्छा, इसके बारे बताया था, ये पीने के बारे में इसकी दफा बताया था, इसकी दफा बताया जोया की, फिर जो काका भी आया। ये बहुत चाहतो है, बस खुदा जो भी दे, बेटी दे, बेटा दे, खुदा जिंदगी ला दे, मुझे भी जिंदगी दे। नहीं, वैसे दे। बताया क्या? क्या फोत हो गया? हाँ। नाक क्यों भरा हुआ है तेरा? कुछ मेडिसिन भी बिट्टी को लिख के दी है तो वो लेने चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, चुप करके चुप करके चुप करके। नेहा से छुप के जा रहे हैं तो बिल्कुल आराम, जरा मस्ती नहीं करनी, जरा हिलो जुलो नहीं, ठीक है? और ख्याल रखो अपना खास, ठीक है? और ये बंदे को जो है ना, मैं पसंद नहीं करता, मुझे पता नहीं ये क्यों नहीं पसंद। ये मेरा जानू ले लिया इसने, इधर आ तक इसने मेरा जानू ले लिया, मुझे इसलिए पसंद नहीं है। लेट गई। बस मैं लेटी, मैं बाहर कर जाती तो बाहर चले जाती, हमने दरवाजा ही खोला तो फौरन इसको पता चल गया कि ये बाहर जा रहे हैं, है ना। गेट किसने ऐसे लेटी हुई थी, वो देख कंबल भी ले रही है। आ जा आगे आगे हो जा। चलो अभी आराम करो, फिर सोचते हैं कुछ पकाने वकाने के बारे में, क्या कहते हो? ठीक है, अभी वो ठहर के कैल्सी भी पीनी है और वो दूसरा शाशे भी पीना है, और गोली फोलिक एसिड नहीं ले रही ना आप, दवाई खाया करो, दवाई पे ध्यान दो अगर परेशानी नहीं चाहती, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशान। तू चाहते हो चाहते हो कुछ कह रही है। अच्छा ये तो बताओ क्या बताया? हाँ, अल्लाह कुछ नहीं।